माता पार्वती ने यह कह करके कोई उत्तर देने से इनकार कर दिया कि उन्हें भी पता नहीं है कि भोलेनाथ गले में मुंड माला क्यों पहनते हैं। जब भगवान भोलेनाथ वापस आए तो माता पार्वती ने उनसे पूछा कि हे भोलेनाथ, आप अपने गले में मुंड माला क्यों पहनते हैं? तब भोलेनाथ ने उत्तर दिया, हे देवी पार्वती, तुमने जितनी बार मनुष्य का जन्म लिया है, मैं उतनी संख्या का मुंड माला धारण करता हूँ। फिर पार्वती जी ने पूछा, हे स्वामी, मेरा शरीर तो नश्वर है, बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु आप तो अमर हैं, मुझे इसका कारण बताइए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे देवी पार्वती, ये सब अमर कथा के कारण है। इस पर पार्वती जी ने जिद किया कि हे स्वामी, आप मुझे भी अमर कथा सुनाएं। भोलेनाथ ने वर्षों तक टाल मटोल किया, मगर अंततः विवश होकर उन्हें अमर कथा सुनाने के लिए हामी भरनी पड़ी। जैसा कि आप सभी भी जानते हैं, अपने जीवन में पत्नी जब जिद पे आ जाती हैं तो पति को मानना ही पड़ता है। अब समस्या ये थी कि अमर कथा आखिर सुनाई कहाँ जाए। जी हाँ, क्योंकि गलती से किसी भी जीव के कान में या किसी भी शैतान के कान में या किसी राक्षस के कान में अगर वो कथा पड़ जाती तो वो भी अमर हो जाता। इसके बाद भोलेनाथ सोच में पड़ गए, तो भोलेनाथ ने माता पार्वती को साथ लेकर के इसी अमरनाथ गुफा में पधारा। जी हाँ, वो आए और उनको अमर कथा सुनाया। ऐसी मान्यता है कि रक्षाबंधन वाले पूर्णमासी के दिन भगवान भोलेनाथ स्वयं इस गुफा में पधारते हैं तथा इस अमरनाथ गुफा में बर्फ से बने शिवलिंग की पूजा की जाती है। इस अमरनाथ गुफा से संबंधित अंगरेश महादेव की कथा भी बहुत ही प्रचलित है। इसके अनुसार आदिकाल में जब संसार की उत्पत्ति हुई, तब देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व, सर्प और राक्षसों की भी उत्पत्ति हुई। तब देवतागण मृत्यु के वश में पड़े हुए थे। तब सभी देवता घबराकर भगवान भोलेनाथ के दरबार में पहुंचे। उन सभी को मृत्यु का डर सता रहा था। वो लोग डर के मारे भगवान भोलेनाथ की स्तुति करने लगे तथा अपनी समस्याओं का निदान पूछने लगे। इस पर कृपालु भोलेनाथ ने उत्तर दिया कि मैं आप सभी की समस्याओं का निदान जरूर करूँगा। ये कहते हुए भगवान भोलेनाथ ने अपने सर से चंद्रमा की कला को उतारा तथा निचोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने देवताओं से कहा कि हे देवगण, ये आप सबों के मृत्यु की औषधि है। उस चंद्रकला को निचोड़ने के बाद उस चंद्रकला से अति पवित्र अमृत की धारा बहने लगी तथा अमृत की बूंदें पृथ्वी पर गिर करके सूख गईं। इस पावन गुफा में जो भस्म है वो इन अमृत बिंदुओं के कण ही थे। भगवान भोलेनाथ द्रवीभूत हो गए तथा देवताओं से कहा, हे देवगण, आपने इस गुफा में मेरा शिव स्वरूप यानी कि लिंग स्वरूप दर्शन किया है, इस वजह से आप सबको मृत्यु का भय अब कभी भी नहीं सताएगा। आप सब शिव स्वरूप को प्राप्त होंगे तथा अमर हो जाएंगे। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मेरा यह लिंग स्वरूप तीनों लोकों में अमरेश महादेव के नाम से प्रसिद्ध होगा। भगवान भोलेनाथ ने देवताओं के भय का नाश किया, तब से उनका नाम अमरेश महादेव हुआ। दोस्तों, पावन पवित्र अमरनाथ गुफा का दर्शन करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहाँ जाने के बाद इंसान के सारे पाप और सारे दुख मिट जाते हैं तथा मृत्यु के पश्चात उस इंसान को स्वर्ग में स्थान मिलता है।
दोस्तों, आप भी अगर अमरनाथ की यात्रा किए हैं तो अपने अनुभव हमारे साथ कमेंट्स के माध्यम से अवश्य शेयर करें, ताकि लोगों को और ज़्यादा पता चले, या फिर आपके पास कोई रोचक बात हुई हो उस समय पे, या कुछ आपने देखा हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसके साथ साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आप सभी के लिए जब भी हम नई